आज चौथे वर्ष में सरकार कर्ज पूरा कर रही है, संपूर्ण कर्जा माफी उनकी कोड़ी स्वामित्व और आज भी राष्ट्रीय बैंक, अनुसूचित बैंक, ग्रामीण बैंकों से केसीसी के आधार पर जिन 18 लाख किसानों ने कर्जा लिया था, 21 मार्च 2018 तक के कर्जे की माफ करने की जो बात कही थी, आज भी वो कर्जा माफ नहीं हुआ। प्रतिदिन ये कहना पड़ता है कि मैं मुख्यमंत्री हूं और अगला बजट भी मैं वसूल करूंगा। और ये भी मैंने पहली बार देखा है जहां भी मुख्यमंत्री जी आते हैं उसी माननीय विधायक के एहसानों का स्वागत मंच पर गुणगान करते हैं। ऐसे कमजोर मुख्यमंत्री के हाथों राजस्थान के साथ और विशेष तौर पर राजस्थान के कमेरे वर्ग के साथ जो अन्याय हुआ है, अब वो समय आ गया हम उसकी आवाज बने। सबसे बड़ी बात जिस पर किसानों ने अहंकार किया था वो किसान का कर्जा था। आज चौथे वर्ष में सरकार कर्ज पूरा कर रही है, संपूर्ण कर्जा माफी उनकी कोड़ी स्वामित्व और आज भी राष्ट्रीयकृत बैंक, अनुसूचित बैंक, ग्रामीण बैंकों से केसीसी के आधार पर जिन 18 लाख किसानों ने कर्जा लिया था, 21 मार्च 2018 तक के कर्जे की माफ करने की जो बात कही थी, आज भी वो कर्जा माफ नहीं हुआ। 99,996 करोड़ में 6-7 हजार का कर्जा माफ करके और नाखून कटाके शहरों में नाम दिखाने का काम सरकार कर रही है, पर इन राष्ट्रीयकृत बैंकों के किसानों के कब नीलामी चालू हो गई, उनके खाते क्यों हो गए? और अभी आपने देखा होगा जब हम आए थे ज्ञापन मिला कि जिले के अंदर भी अतिवृष्टि के कारण से किसान की फसल तबाह हो गई, विशेष गिरदावरी नहीं, ये तो राज्य आपदा कोष बना हुआ है जिसको एसडीआरएफ कहते हैं, उसमें 13,000 करोड़ रुपया पड़ा है। आपको याद होगा एक बार जब अपनी सरकार थी, सुंदरा जी की सरकार थी, अतिवृष्टि हुई, विधानसभा का सत्र चल रहा था, सुंदरा जी ने कहा कि सत्र को 3 दिन के लिए स्थगित करो, सारे पक्ष विपक्ष के विधायकों का आप अपने इलाके में जाओ, किसान के दर्द को देखो और साथ में कहा गिरदावरी शुरू करने के लिए विशेष गिरदावरी क्या देख देती हूँ, 13,600 रुपए, 7,600 रुपए लगभग लगभग बड़े किसानों को मिले। आज ये बात भी गायब होगी। इन्होंने वादा किया था कि हम पुख्ता व्यवस्था करेंगे, किसान की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद की पुख्ता व्यवस्था करेंगे। जन घोषणा पत्र में यह वादा और जन घोषणा पत्र को इन्होंने पहली कमीना की बैठक में सरकार का अधिकृत दस्तावेज बनाया। सूरजगढ़ की सीमा से लगता हुआ हरियाणा, राजगढ़ वाले सूर्य की सीमा से लगता हरियाणा, बाजरी और बाजरा आना चल हो गया बाजार में। हमारे यहाँ आप किसान से पूछ लो 13,000-14,000 क्विंटल में बाजरा बेचना पड़ रहा होगा, 23,500 समर्थन मूल्य पर, 23,500 में हमारे पड़ोसी सूबे हरियाणा में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में 2350 रुपए में आज कांटा लगाकर खरीद हो रही है। राजस्थान के किसानों के साथ हो रही वादा तो आपने किया जन घोषणा पत्र में, केंद्र सरकार ने लिख के कहा कि मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइस पर 2350 रुपए क्विंटल हमने तय किया है बाजरे की सरकार खरीदे, और सरकार ने पिछली बार भी 2250 रुपए था तब भी नहीं खरीदा, तो अभी खरीदने के लिए तैयार नहीं है। अतिवृष्टि में फसल बर्बाद होगी तो उसका चेतावनी कराने को तैयार नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि बिजली के बिलों को क्या बिजली के दाम हम बढ़ाएंगे नहीं, दिन में बिजली देंगे, दिन में तारा दिखाई दे रहे, किसान को बिजली गायब है। अंधेरी नगरी चौपट राजा हमने कहावत सुनी थी ना, यहाँ अंधेरी नगरी को हमने देखा, अब ये जो बिल आएगा ना इस बार इस तिमाही से 2 पैसे फ्यूल चार्ज के प्रति यूनिट बढ़ा दिए, 7 पैसे प्रति यूनिट आपके
अडानी जी ने कोयला खरीदा था हवाई के गर्मत प्लांट के लिए, दरों में अंतर आया और उसके लिए 7,400 करोड़ रुपए पूरे 5 साल तक के ₹1,40,00,000 का दिए। ये सरकार के बैंकों से जो हम ऋण लेते हैं, हम सरकार की मैं योजना से जुड़ते थे। सुशीला जी को अच्छी तरह मालूम है। और उस सरकार बीमा योजना के अंदर अगर अकाल मृत्यु होगी बीमित व्यक्ति की तो 10 लाख रुपए मिला करते थे और साधारण बीमारी से हो तो उसका ऋण माफ हुआ करता था। कोई योजना बन जाती सरकार की कमर टूट गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर जो नाम दुबारे प्रधानमंत्री आवास योजना हम उसमें भेज देते हैं जी को मालूम होगा, पोर्टल पर समय पर नहीं चढ़ा इसलिए 9 लाख से वंचित रह गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में राजस्व दिया इसलिए कई जिलों के अंदर किसानों को उनका मुआवजा पैसा नहीं मिल रहा। ऐसे सारे मामले के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कोर ग्रुप में बने सदस्य जी ने सबने मिलकर तय किया कम अपन सरकार को सड़क पर ललकारेंगे किसान की भावनाओं को, हम हवा देंगे किसान की आवाज के साथ आवाज मिलाएंगे। ये झुंझुनू यह परिवर्तन की धरती है। यह झुंझुनू वो धरती है जहां 1 पैसे प्रति यूनिट पड़ा था और भगवान ने क्या था उस समय हमारे इसी झुंझुनू के जावाज व्यक्ति ने यहाँ सेना के जब सैनिक यहाँ से निकलकर सीमा पर जाता है तो माँ भारती के लिए सीने पर गोली झेलने का काम करता है। ये परिवर्तन की धरती को हम ये कहने आए हैं। 17 तारीख को लक्ष्मीगढ़ जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद जी डोटासरा का निर्वाचन क्षेत्र है वहां हम सीकर तीनों के किसानों की बड़ी सभा कर रहे हैं।